हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो रिएक्ट किया था जिसमें टॉप 5 कंट्रीज थी जो पाकिस्तान से नफरत करती थी। आज देखने वाले हैं जो 5 कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं। दी टॉप 5 कंट्रीज़ डेट लव पाकिस्तान। ओके, तो चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एंड कौन से मतलब साथी हैं या दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसे इसके दुश्मन मुमालिक इसके बनते ही इसको ख़त्म करने की कोशिश में लग गए, लेकिन क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर रखी गई, इसलिए रहती दुनिया तक ये मुल्क भी कायम रहेगा। पाकिस्तान और भारत की लड़ाई पिछले 70 सालों से चल रही है और अक्सर ये लड़ाई एक्सट्रीम हद तक भी पहुँची और इन दोनों मुमालिक के दरमियान बाकायदा जंगें भी लड़ी गई। अगर हम 2020 की बात करें और देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो तो कौन से ताकतवर ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे और इंडिया का बाइकॉट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 ममालिक का जिक्र करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। नंबर 5, रशिया। अफगान जंग में रूस को शिकस्त देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद पाकिस्तान और रूस के हालात काफ़ी कशीदा हो गए, लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान में इंटर हुआ तो भारत ने अमेरिका की भरपूर मदद की। रूस अमेरिका का दुश्मन तो था ही, लेकिन फिर इसने इंडिया की मुखालफत भी शुरू कर दी। रूस को मजबूरी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान का साथ देना पड़ा। लेकिन उसके बाद रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार होते चले गए और अब इन दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा जंगी मशकें होती हैं और रूस पाकिस्तान को दिफाई शोबे में भी मदद फराहम कर रहा है। रूस इस वक्त पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त बन चुका है। आलमी दुनिया में रशिया चीन के बाद भारत का एक बड़ा दुश्मन मुल्क कंसिडर किया जाता है, इसलिए पाक भारत जंग में रूस पाकिस्तान का साथ भी देगा और हर किस्म की जंगी और माली मदद भी फराहम करेगा। नंबर 4, चाइना। चाइना पाकिस्तान का एक सच्चा दोस्त है जो पाकिस्तान पर तो हर आजमाइश की घड़ी तो में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। चीन जो कि आने वाले वक्त में सुपर पावर का ऐलान भी करने जा रहा है, पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त पड़ोसी मुल्क है। चीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान की भारत के साथ होने वाली तमाम जंगों में चीन ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। हालिया कुछ अरसे में चीन के भी इंडिया के साथ हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं और इनके बॉर्डर्स पर न सिर्फ गोलियाँ चलीं बल्कि चीन ने भारत के बहुत से इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक के मनसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से ममालिक कोशिश में हैं, लेकिन इनकी की जाने वाली कोशिशें पाक आर्मी की तरफ से इनके मुंह पर मारी जाती हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग की सूरत में चाइना न सिर्फ पाकिस्तान की मदद करेगा बल्कि बिना किसी इंतजार के इंडिया पर खुद हमला कर देगा, क्योंकि चीन इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 3, तुर्की। तुर्की दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी बहादुरी की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। तुर्की ने यूरोपियन ममालिक की पाबंदियां होने के बावजूद अपनी फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मीज की लिस्ट में शामिल किया। इस्लामी दुनिया में तुर्की पाकिस्तान के बाद दिफाई लिहाज से दूसरा मजबूत तरीन मुल्क है। अगर तुर्की पाकिस्तान रिलेशन की बात की जाए तो तुर्की पाकिस्तान के साथ हर महाज पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, लेकिन इस महाज पर पाकिस्तान भी तुर्की के लिए हर मुकाम पर सीना तान के खड़ा हुआ। अगर पाक भारत जंग हुई तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और हर तरह से पाकिस्तान की मदद करेगा। नंबर 2, मिस्र। मिस्र एक इस्लामी मुल्क है जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त भी है। मिस्र ने अक्सर असलहे की सूरत में पाकिस्तान की मदद भी की है। हाल में ही मिस्र ने पाकिस्तान को मिराज तैयारे भी दिए। मिस्र और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान जंगी मशकें और इनके कमांडोज की कंबाइंड ट्रेनिंग्स भी चलती रहती हैं। इंडिया के कश्मीर पर जबरदस्ती फौज घुसाने के बाद मिस्र की तरफ से इंडिया के खिलाफ जबरदस्त मजम्मत देखने को मिली और पाकिस्तान के हक में मिस्र का बयान पूरी दुनिया के सामने आया। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो मिस्र इसराइल और अमेरिका के दबाव होने के बावजूद पाकिस्तान की हर सूरत में मदद करेगा, चाहे वो आर्मी की सूरत में हो या असलहे की सूरत में। नंबर 1, सऊदी अरेबिया।
हालिया कुछ वक्त में जाहिरी तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आए, लेकिन सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मुआशी मदद की, लेकिन पाकिस्तान ने भी दोस्ती का पूरा फ़र्ज अदा किया। पाकिस्तान ने सऊदीया को असलहे के साथ साथ मिसाइल्स फ्राहम करने का वादा भी कर रखा है। सऊदी आर्मी को ट्रेन करने वाली भी पाकिस्तान आर्मी ही थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हर उस जगह मदद की जहां उसे मदद की ज़रूरत थी। मुसलमानों का किबला चूंकि सऊदी अरब में वाकिया है, इसलिए इस्लाम के दुश्मन ममालिक सऊदीया पर बुरी नज़र भी रखते हैं। पाकिस्तान ही वो वाहिद ऐसा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है जिसकी वजह से सऊदी अरब पर हमला करने की कोई जुरत नहीं करता। अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो सऊदीया न सिर्फ मुआशी तौर पर पाकिस्तान की मदद करेगा बल्कि अपनी फ़ौज और असलहा भी देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि रोज़ाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चाइना, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी, रशिया, तो ये पाकिस्तान के दोस्त बताए हैं इसमें। एंड दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जंग क्यों करवा रहे हो यार? जंग कौन चाहता है? मतलब जंग क्यों होगी? मतलब जंग हुई, वो भी जंग हुई तो सिर्फ इंडिया का नाम लिया इन्होंने पांचों बार के वो मदद करेंगे। एक्चुअली इंडिया के ख़िलाफ़ का वो था ये, मेरे हिसाब से कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो जंग होगी अगर, तो कौन मदद करेगा? ऐसा जंग किसी और से भी तो हो सकती है भाई, किसी से भी जंग हुई तो ऐसा बोल सकते थे। इंडिया का नाम मतलब इंडिया से ही जंग क्यों करनी है? मतलब जंग करनी ही क्यों है, मैं तो ये कह रहा हूँ। जंग ना हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखते हुए देखते हैं, सिर्फ जंग को ही मान लो, चलो जंग हुई तो ये मुल्क जो हैं मदद करेंगे। सऊदी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, मुझे मतलब ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मामलों में उनको घुसते हुए इन्वॉल्व होते हुए देखा नहीं है कभी। बाकी चाइना कर सकता है, चाइना और इंडिया के बॉर्डर के ताल्लुक ख़राब हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्ती नहीं है। और रशिया से ताल्लुक ख़राब नहीं है कि वो मदद कर सकता है, दोस्ती अपनी अपनी जगह पर निभा सकते हैं लोग कुछ पॉइंट्स को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ताल्लुक ख़राब हैं जैसा इसमें ये बोल रहे थे। इंडिया से ताल्लुक ख़राब नहीं है, ना चाइना के ख़राब है, बॉर्डर के इशू हुए थे और गोलीबारी भी, हाँ इन्होंने बताया तो वो सच है कि हुई थी बॉर्डर पर चाइना से, लेकिन वो सॉल्व हो गए, इशूज़ जो होते हैं वो सॉल्व हो गए। उसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अंदरूनी गवर्नमेंट संभालती रहती है, लेकिन उसके बेस पर आप ये नहीं कहते वो दुश्मन बन गया और ऐसा कुछ हो गया। तो बिज़नेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दुश्मनी में आप नहीं गिन सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ये मुल्क दोस्त हैं तो मदद कर सकते हैं कई सारे मामलों में। ये बहुत दूर की बात है कि जंग हुई तो ऐसा होगा, जंग हुई तो वैसा होगा, वो तो टाइम ही बताता है कौन साथ है कौन नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई किसी से दोस्ती नहीं रखता है। पाकिस्तान के ये सारे मुल्क जो इसमें बताए हैं अच्छे दोस्त होंगे और दोस्ती को गहरा करती हैं और एक दूसरे की इकोनॉमी पर भी फ़र्क पड़ता है, ग्रोथ होती है, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी रेपुटेशन बनती है, वो सारी चीज़ें एक दोस्ती से बहुत कुछ हो सकता है। इस वीडियो में ये जानने को मिला कि पाकिस्तान से किन मुल्कों की दोस्ती है जो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, और इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।